हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे रेडिएशंस के ऊपर, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बोर्ड पे लिख रखे हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला लास्ट में किया था हमने, फोटोन की एनर्जी का, ई इज इक्वल टू एच न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी का लॉगरिथम क्या मिलेगा हमें, एच ई बाई लैम्डा। सेकेंड फॉर्मूला मोमेंटम फाइंड आउट करने पार्टिकल का, पार्टिकल हम वहाँ पे क्वांटम पार्टिकल, अगर हम फोटोन की बात करें उसमें भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल यूज कर उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूला था डेब्रो हाइपोथेसिस से, डेब्रो वेवलेंथ आई थी एच एफ में एमवी कोई किसी भी मूविंग पार्टिकल की, ये हमने डिस्कस किया था। डेब्रो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट की थी पोटेंशियल की फॉर्म में किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, और ये फाइंड आउट किए थे हमने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जो यहाँ पे के है, के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, के बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इन फॉर्मूले के भी आप आज न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी के रिगार्डिंग हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन द डीप ब्रो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। हमने डीप ब्रो वेवलेंथ निकालना, देखो गिवन में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने फाइंड आउट करनी है डी ब्रो वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हमने मान लिया हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस मान लिया, ये हमने मान लिया ग्राउंड स्टेट और ये मान लिया हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और क्या बोल सकते हैं इसको, सेकेंड स्टेशनरी स्टेट। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट और ग्राउंड स्टेट, सेकेंड स्टेशनरी स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है या मान लिया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या रहता है, हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और इस क्वेश्चन में गिवन में दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू यूज करनी है और जो भी पर्टिकुलर वैल्यूज की है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे मीटर में, ठीक है, मीटर क्या है, वेवलेंथ की जो यूनिट पढ़ते हैं एसआई सिस्टम में, लेंथ की यूनिट पढ़ते हैं एसआई सिस्टम में, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल में। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर। तो सबसे पहले इसमें इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें, 3.4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फ्रॉम दिस क्वेश्चन, फ्रॉम दिस ग्राफ वी फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है हमें किस फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, अब इसमें लिखेंगे एज वी नो दैट डी ब्रो वेवलेंथ फॉर द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज कितना आता है, अंडर द रूट ऑफ 2m × में के, इधर m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कितना होता है, वैल्यू 1×10⁻³⁻¹ किलोग्राम। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, मास का हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो फोर्स क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6283 × 10⁻³⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻¹⁹ डिवाइडेड इनटू में 3.4 × 1.6 × 10⁻¹⁹ इन सभी को सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर पावर को सोल्व करें, बेस सेम पावर को ऐड, तो 10⁻³⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ बेस सेम पावर को ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 10⁻⁵⁰। अब इसका अंडर द रूट सोल्व करें तो रूट से जो 12 है तो क्या मिलेगा, 10⁻⁵⁰ × 25 इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ किसमें आएगी, मीटर। तो इसकी वैल्यू को, सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। क्वेश्चन क्या कहता था, किसी भी हाइड्रोजन एटम में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है किसी भी हाइड्रोजन एटम के सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट में, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट करनी है। तो वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2m × k, m के यहां पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k
के क्या की काइनेटिक एनर्जीज होगी, उनमें एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या है इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन करके देखना। सेकंड प्रॉब्लम है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5460 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वी पोटेंशियल जब अप्लाई करते तो एसिलेट करता है, उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की वो फोटोन की एनर्जी के बराबर आती है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर, ध्यान से सुनना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5460 नैनोमीटर। जो फोटोन की वेवलेंथ कितनी, 5460 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10^-9 मीटर। क्वेश्चन क्या रहता है, फाइंड द डिब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट ऑफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो ये है वेवलेंथ किसकी है, फोटोन की। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल पे एसिलेट करते हैं तो उसकी जो एनर्जी आती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देन कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूविंग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 × m × k, m क्या यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे दो वेवलेंथ है, यहाँ पे एक वेवलेंथ निकाल इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की क्या हमारे पास गिवन में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वेवलेंथ हमने निकालनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इसके बराबर है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है आपका सी बाई लैम्डा, क्या होता है सी बाई लैम्डा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के किसके बराबर है आपके पास एच सी बाई लैम्डा, और ये लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन जो हमारे पास गिवन में, जो हमारे पास गिवन में। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नो बाय यूजिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 m × में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे क्या मिलेगा, और एच डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2 m × में एच डिवाइडेड बाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पी, लैम्डा पी क्या यहाँ पे फोटोन, पी रिप्रेजेंट फोटोन। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इसको रूट के अंदर लेंगे क्या मिलेगा हमें एच स्क्वायर लैम्डा फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऊपर जाएगी डिवाइडेड बाई 2 m h c, सारी वैल्यू अंडर द रूट, एच सिंगल एच से सिंगल एच कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच इंटू में लैम्डा पी डिवाइडेड बाई 2 m × c, 2 m × c, एच की वैल्यू पुट करेंगे, अगर इन सभी की हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 × 10^-34 जूल सेकंड इंटू में वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन में 5460 × 10^-9 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मास, मास किसका इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10^-31 किलोग्राम, सी के स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे सोल्व, सोल्व कैसे करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे, नेगेटिव पावर बेस सेम पावर को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी, इसको हम सुपर लेते जाएंगे, इसमें लगेंगे नेगेटिव भी, तो इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा मीटर में। एक और हमारे पास ये आता है, अगर ये कंडीशन मिले जो कोई भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है या मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का क्या करेंगे यूज करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, और गिवन किसकी मिलेगी हमें वेवलेंथ फोटोन। ये था हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला,
सीवी चावरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 6×10^17 जूल। इस क्वेश्चन में लिखता हूं से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ6×10^-17 जूल। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रॉन से क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है मोमेंटम निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है ये लाइन अच्छी सुनने इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फोटोन। जितनी मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो किसके बराबर है फोटोन की वेवलेंथ के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है और फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके कितनी है 6×10^17 जूल। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है EP=EC। ठीक है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है ई क्या है फोटोन एनर्जी ऑफ द फोटोन दे रखी है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। फॉर्मूला कैसे आता है अर्धव इसको सोल्व करेंगे सोल्यूशन में क्या लिखें गिवन में क्या दे रखा है E=6×10^-17 जूल और मैंने निकालना क्या है पी पी क्या पे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है किसकी मूविंग इलेक्ट्रॉन की और वेवलेंथ है फोटोन की दोनों की क्या है वैल्यू सेम है तो हम वेवलेंथ के क्रम में दोनों के फॉर्मूले हम फाइंड आउट करें। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब फोटोन की एनर्जी की एज वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी होती है E=h𝛎और न्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन तो क्या लिखेंगे और E=hc/λ न्यू कितना हो जाएगा c/λ और लैम्डा क्या यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फोटोन तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी आ जाएगी वेवलेंथ ऑफ फोटोन E=hc/E। ठीक है और डीब्रो हाइपोथेसिस का यूज करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आ जाएगी एंड वी नो दैट बाय यूजिंग डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन कितनी आती है लैम्डा इलेक्ट्रॉन H/p तो ये दोनों फॉर्मूले रहते हैं वेवलेंथ के फॉर्म में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन = द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है सेम तो राइट हैंड पार्ट कितना है देखो HC/E = H/p H कैंसिल हमने क्या फाइंड आउट करना है मोमेंटम तो मोमेंटम कितना आ जाएगा इसका P=EC P इधर जाएगा C नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा P=EC। अब E की वैल्यू गिवन में दे रखी है कितनी दे रखी है 6×10^17 जूल डिवाइडेड बाय 6×10^17 जूल डिवाइडेड बाय C क्या है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी 3×10^8 मीटर पर सेकंड तो हमारे पास C इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये ऊपर जाके माइनस पी 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका कितना जाएगा ये 2 तो कितना जाएगा 2×10^-25 ये ऊपर जाके माइनस 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 तो ये आ जाएगा बस किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन क्या कहता है इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे P=E/c कैसे आएगा इक्वेशन से आएगा ये हमने फोटोन की एनर्जी लिखी E=h𝛎 क्या होता है C/λ है लैम्डा भी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन तो फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला H/c टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ का फॉर्मूला डी ब्रो हाइपोथेसिस से λ = h/p इज हियर लैम्डा E = द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बोथ पार्टिकल हैव द सेम वेवलेंथ
ठीक है, सेम वैल्यू वेवलेंथ दोनों बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएशन आएगा। इसमें जो गिवन वैल्यूज है उसको पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड भी आप पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन और एक हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहता है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एसिलेटेड सो द सेम पोटेंशियल। दोनों का एसिलेटेड पोटेंशियल क्या है, सेम है। विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो फर्स्ट फाइंड आउट करना हमने ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रो वेवलेंथ। ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रो वेवलेंथ, तो इन दोनों में प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी या अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले, एक तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम इनटू ई। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है प्रोटॉन, अल्फा है तो अल्फा। वी क्या मान लिया हमने, एसिलेटेड पोटेंशियल। और यहाँ पे जो के है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है, सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे दोनों पार्टिकल एसिलेट करेंगे तो किस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो उसको भी हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसके लिए क्या यूज करते हैं, लेट अस कंसीडर हमने एमपी। एमपी क्या मान लिया हमने, मास ऑफ प्रोटोन। एमपी क्या मान लिया हमने, मास ऑफ प्रोटोन। और एम अल्फा क्या मान लिया हमने, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास हमें पता है, जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 times ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे हमने मान लिया ईपी, ई डिनोट रिप्रेजेंट फॉर द चार्ज। ये क्या मान लिया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और ई अल्फा कितना आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। और हमें ये पता है जो अल्फा पार्टिकल का जो ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के क्या होता है, डबल होता है। अल्फा चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज से क्या होता है, डबल होता है। तो इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। हमने ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करना, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। हियर वी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल, वीपी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्रोटॉन, पोटेंशियल ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और दोनों का क्या है, सेम है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2mev। इसको एक बार लिखेंगे हम प्रोटोन के फॉर्म के लिए, एक बार लिखेंगे हम अल्फा के लिए। क्या लिखेंगे, फॉर प्रोटोन, फॉर प्रोटोन। प्रोटोन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एमपी 2 times ऑफ एमपी ईपी वी। वी दोनों का सेम है, इसको हमने वी मान लिया, ठीक है। फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा के लिए कितना, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2mα ई अल्फा इंटू में वी, ई अल्फा इंटू में वी। अब हमें एम अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन में 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और ई अल्फा की वैल्यू कितने, 2 times ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहां पे, इसको सॉल्व करें। एमपी क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन। एम अल्फा क्या है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ई अल्फा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और ईपी क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमें प्रोटॉन और अल्फा को कंपेयर करेंगे और उसकी ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रोटॉन की ज्यादा होगी या प्रोटॉन। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड पार्ट में वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, राइट हैंड पार्ट में एच डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ 2mep इनटू में वी। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट से डिवाइड करवाएंगे, राइट हैंड पार्ट को राइट हैंड पार्ट से। लेफ्ट हैंड पार्ट में लैम्डा
अल्फा डिवाइडेड लैम्डा पी, जिसकी लैम्डा अल्फा की वैल्यू कितनी है एच डिवाइडेड वाई अंडर द रूट ऑफ टू एम अल्फा ई अल्फा इंटू में वी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रोटॉन की, जब ऊपर जाएगी तो क्या मिलेगा हमें अंडर द रूट ऑफ टू एम पी ई पी इंटू में वी डिवाइडेड बाई एच। ये वैल्यू किसकी आ गई अल्फा पार्टिकल की, ये वैल्यू किसकी आ गई प्रोटॉन पार्टिकल की। अब जो सेम टर्म में कैंसिल, एच से एच कैंसिल, टू से टू कैंसिल, सेम पोटेंशियल की वैल्यू से सेम पोटेंशियल की वैल्यू कैंसिल। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे एम एल फाइव की वैल्यू है प्रोटॉन के मास की फॉर्म में, ई एल फाइव की वैल्यू है प्रोटॉन के चार्ज की फॉर्म में। देखो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा पी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या आएगा एम पी ई पी डिवाइडेड बाई एम अल्फा, एम अल्फा की वैल्यू कितनी है फोर एम पी इंटू में ई एल फाइव की वैल्यू कितनी है टू ई पी, टू ई पी, एम पी से एम पी कैंसिल, ई पी से ई पी, तो कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट, इधर क्या बचेगा वन अपॉन में अंडर द रूट, तो क्या आएगा आपका ई पी, इसके लिए वन लिख सकते हैं वन बाई रूट, वन बाई रूट एट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा पी बाई अंडर रूट एट, और लैम्डा पी कितना आ जाएगा रूट एट टाइम्स ऑफ द लैम्डा अल्फा। तो यहाँ से बता सकते हैं जो प्रोटोन की वेवलेंथ आएगी अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से क्या है ज्यादा है। अगर पूरा न्यूमेरिकल सोल्व कर तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ से बता सकते हैं चार्ज और मास अल्फा पे क्या होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटोन। अब जो चार्ज और मास वेवलेंथ की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर चार्ज और मास की वैल्यू ज्यादा हो तो वेवलेंथ क्या होगी कम होगी, और उसकी अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करवाए तो हम इस मेथड से क्या कर सकते कैलकुलेट कर सकते हैं। दो बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल है वो सेम पोटेंशियल पे एक्सीलरेट करते हैं ठीक है, और हमने इसमें फाइंड आउट करना है कि किस पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट ऑफ टू एम इंटू में वी। एक बार इसको लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, एक बार लिखेंगे अल्फा के लिए। अब अल्फा और प्रोटॉन का मास और चार्ज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, उसके बाद जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा एम पी ई पी अंडर द रूट अंडर डिवाइडेड बाई एम अल्फा ई अल्फा अंडर द रूट। अब इन दोनों के एम अल्फा और ई अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा वन अपॉन में अंडर द रूट एट। तो यहाँ पे लैम्डा पे कितना आ जाएगा रूट एट टाइम्स ऑफ द लैम्डा अल्फा। तो इधर से क्या बताएंगे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है प्रोटोन की वो अल्फा पार्टिकल से क्या है ज्यादा है। इसका जो सेकंड पार्ट पूछना है सेकंड पार्ट पूछ रहा है लेस काइनेटिक एनर्जी, लेस काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके है प्रोटॉन की, अब पूछ रहा है लेस काइनेटिक एनर्जी। तो लेस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू में वी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू में वी। ई क्या है यहाँ पे चार्ज, वी क्या है एक्सीलरेटेड पोटेंशियल। अब देखो ये किस, ये दोनों के लिए क्या है कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, इसके लिए क्या कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगी चार्ज के ऊपर, यहाँ पे ई क्या है चार्ज, ये क्या है चार्ज। अब लेस पूछ रहा है, अगर हम बात करें चार्ज, अब क्या लिखें एज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो अल्फा पार्टिकल ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज से क्या है ज्यादा होता है। अगर अब ये पूछता है ग्रेटर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, यहाँ पे क्या पूछ रहे लेसर द काइनेटिक एनर्जी, तो लेस काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लेसर काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज लेसर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस फॉर्मूले से बता सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल क्या है दोनों के लिए सेम है, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर। अब चार्ज अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के कंपेयर करेंगे तो प्रोटॉन से क्या होता है डबल होता है, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से क्या है ज्यादा है। इसमें लेस पूछ रहा है तो आंसर कितना आएगा प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है लेस है ठीक है। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोटॉन जगह पे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है ठीक है, इनके बीच में पूछ सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी मिल सकता है, प्रोटॉन भी मिल सकता है, हमें चार्ज और मास के लिए क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ सोल्व करके देखना, इलेक्ट्रॉन और अल्फा के साथ सोल्व करके देखना ठीक है। इसी बीच हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अब है हमारे पास चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन। एंड इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन लास्ट केस में क्या था, सेम पोटेंशियल, यहां पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम तीनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, अल्फा के लिए भी, प्रोटॉन के लिए भी। विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमने फाइंड आउट क्या करना है, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ को क्या करना, हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास तीन चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करना, हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता इनकी, यहाँ पे हमें इनका पोटेंशियल नहीं पता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तीनों की क्या सेम है, तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें लिखते हैं, फॉर दिस वी यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द चार्ज पार्टिकल इज कितना होता है, 2m इनटू में के, के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, तो मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इनटू 10^-31 किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इनटू 10^-27 किलोग्राम। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहां से लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द प्रोटोन एंड एज कम्पेयर टू द अल्फा पार्टिकल, ये लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, हमें मास का पता है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू को पता है, अल्फा पार्टिकल के मास की वैल्यू को पता है, प्रोटोन की मास की वैल्यू पता है। तो यहां से हम अगर कंपेयर करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है इनके मास की कंपेरिजन बहुत ही कम है। अब यदि रिलेशन यूज करेंगे, एक तो एक बार किसके लिए यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार यूज करेंगे, अल्फा के लिए एक बार यूज करेंगे, प्रोटॉन के लिए। अब तीनों इक्वेशन में देखो एच कॉन्स्टेंट है, टू न्यूमेरिकल वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी तीनों के लिए क्या है, सेम है। तो यहां से जो रिलेशन मिलेगा इन दिस प्रॉब्लम तो जो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ वेरी करेगी, वो किसके साथ वेरी करेगी, मास के साथ, किसके साथ वेरी करेगी, मास के साथ। अब हम यहां से बता सकते हैं, जो मास है इलेक्ट्रॉन का क्या है, सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सबसे कम है, उसके बाद प्रोटोन, उसके बाद क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो जिसका मास सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम इस रिलेशन से बता सकते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हमें क्या लिखेंगे, सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दीज टू पार्टिकल्स, तो वेवलेंथ भी क्या सबसे ज्यादा होगी। यहां से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट क्या है यहां पे, अल्फा पार्टिकल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, यहां पे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, लास्ट केस में सेम पोटेंशियल था, इस केस में सेम क्या, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये रिलेशन यूज करेंगे, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, टू न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, के काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सेम है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ वेरी करेगी वो मास के साथ वेरी करेगी, मास का रिलेशन, मास को जब कंपेयर करेंगे तीनों पार्टिकल के, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दीज टू पार्टिकल्स, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वेवलेंथ इज वेरी विद द मास। ठीक है, एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो वेवलेंथ क्या सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे समझने की कोशिश करना इसको। आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये कर लिया हमें। अब इस फोटोन के साथ कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए फोटोन एंड ए प्रोटोन, अ फोटोन एंड अ प्रोटोन
हैव द सेम डी ब्रोई वेवलेंथ, हैव द सेम डी ब्रोई वेवलेंथ, सेम डी ब्रोई वेवलेंथ विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसको क्या करना हमें सोल्व करना, किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, एक हमारे पास पार्टिकल क्या है फोटोन, एक पार्टिकल क्या है प्रोटोन, तो फोटोन और प्रोटोन को क्या करना है हमने कंपेयर करना है। अब फोटोन की एनर्जी हमें पता है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है आपकी एच न्यू, और प्रोटॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूविंग काइनेटिक की एनर्जी के साथ वेवलेंथ एसोसिएट होती है, तो इसको हम राइट करेंगे, तो इधर से क्या रिलेशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों की जो डी ब्रोई वेवलेंथ है वो क्या है सेम। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले लिखेंगे फोर प्रोटोन फोर फोटोन, पहले फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब फोटोन मूव करेगा तो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, बोल सकते काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी आ जाएगी एच न्यू, न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, तो क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा पी किसको इंडिकेट करेगा फोटोन, लैम्डा फोटोन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है, तो हमने जो एनर्जी है ये एनर्जी किसकी लिख ली हमने फोटोन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एंड फोर प्रोटोन, फोर प्रोटोन एक रिलेशन पढ़ा था हमने 11th क्लास में भी आया था, इस चैप्टर में भी आया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन आता है पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m, m क्या यहां पे मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल क्या है यहां पे प्रोटोन, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगी, यहां पे हमने मान ली काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन के प्रोटोन इज इक्वल टू क्या आएगा पी स्क्वायर अपॉन मी 2m, हेयर पी बी द मोमेंटम ऑफ द प्रोटोन। अब मोमेंटम का फॉर्मूला कितना आता है यहां से इस रिलेशन से, एंड पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, यहां पे इसकी वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा, यहां पे पी है, यहां पे पी स्क्वायर तो कितना आएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी के एच बाई लैम्डा, तो पी स्क्वायर कितना होगा एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इधर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सेकंड, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये किसकी वेवलेंथ है हमारे पास प्रोटॉन की, ये वेवलेंथ किसकी है प्रोटॉन की। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फोटोन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोई वेवलेंथ, तो दोनों की वेवलेंथ क्या है सेम है, फोटोन की और प्रोटोन की वेवलेंथ क्या है सेम है, उसकी वैल्यू मान लिया हमने लैम्डा। अब हमने फाइंड आउट करने किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसके लिए कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट से डिवाइड करवाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू राइट हैंड पार्ट में एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा फोटोन को क्या मान लेंगे लैम्डा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वेवलेंथ कितनी थी दोनों की सेम थी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे प्रोटोन की, प्रोटोन की वैल्यू क्या आएगी यहां पे एच स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा प्रोटोन का स्क्वायर, ये अगर इसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 2m * लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा प्रोटोन की वैल्यू मान लेंगे लैम्डा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये वैल्यू ऊपर जाहिर क्या है 2m into lambda square divided by h square, सिंगल लैम्डा से सिंगल लैम्डा कैंसिल एच से एच क्या हो जाए कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन टू प्रोटोन का रेशियो इसके बराबर आएगा 2mc divided by h, 2mc into में लैम्डा बचेगा 2mc लैम्डा divided by h, और क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2m c lambda डिवाइडेड बाय h इनटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का हमें रिलेशन से बता सकते हैं, जो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी आएगी वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से क्या आएगी ज्यादा आएगी।
ठीक है भाई, इधर से ये टर्म एक बार सॉल्व करके देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोन और प्रोटोन दो पार्टिकल है, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या सेम है, तो फाइंड आउट क्या करना है, किस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला एक बार इसको लिखा हमने किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, सॉरी ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एनर्जी ये फॉर्म में यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ए इक्वल टू एच न्यू, क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ये फोटोन के लिए लिख दिया। प्रोटोन की काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, यहां पे लिख देगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन कितना जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m, हियर पी विद द मोमेंटम ऑफ द प्रोटोन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ एसोसिएट करेंगे प्रोटोन मोमेंटम को, तो कितना आएगा, पी इक्वल टू एच बाय लैम्डा, यहां पे पी की वैल्यू पुट कर दे कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, तो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोटोन और फोटोन की वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है, तो यहाँ पे सेम है तो दोनों की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, हम लैम्डा, दोनों को डिवाइड करवाएंगे कंपेयर के लिए, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन, इनके राइट हैंड वैल्यूज पुट करेंगे, एच सी अपॉन में लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू में लैम्डा स्क्वायर, इधर से सिंगल लैम्डा कैंसिल, सिंगल एच से सिंगल एच कर दे कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 2m लैम्डा इंटू में सी, 2m सी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहां पे एच, तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड इंटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन, तो हम यहां से बता सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड बेस के लिए। तो आज जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं वो सोल्व किए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, तो इनको अच्छे से करना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आज के लिए यही करना है, थैंक यू।